बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है, जिसमें एसएससी घोटाले से जुड़ी है बड़ी खबर। घोटाले में गिरफ्तार ममता सरकार की मंत्री पार्थ चटर्जी का नाम अब टीजी घोटाले में भी सामने आ रहा है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक पार्थ के घर से टीम को कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जो 2012 टीटी से जुड़े हुए हैं। अब एक एक करके जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी, एक और खुलासा होता जाएगा। ईडी के सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। पार्थ के घर से जो डॉक्यूमेंट मिले हैं वो बताया जा रहा है कि 2012 टीटी से जुड़े हुए हैं। तो मुश्किलें बढ़ती हुई यहाँ पर पार्थ चटर्जी की नजर आ रही है। ईडी कस्टडी में है फिलहाल। और दूसरी तरफ जी, तो पार्थ के घर से घोटाले से जुड़े डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, वो डॉक्यूमेंट्स भी हम आपको बता रहे हैं। टाइम्स टाउन ऑफ भारत के पास वो डॉक्यूमेंट है। घोटाले में गिरफ्तार ममता सरकार की मंत्री पार्थ चटर्जी का नाम अब टीटी घोटाले में भी सामने आ चुका है। तो अनुज हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुज, जो ईडी के हाथ दस्तावेज लगे हैं पार्थ चटर्जी को लेकर, ये कितनी बड़ी लीड साबित हो सकते हैं, और अगर थोड़ा आप पॉइंटर्स इसके समझा पाए कि क्या इस दस्तावेज के जरिए ईडी के हाथ लगा है। चलिए, हो सकता है कि आवाज ना पहुंच पा रही हो अनुज तक, लेकिन उनसे समझने की कोशिश करेंगे। पार्थ चटर्जी के घर से जो दस्तावेज मिले हैं ईडी को, वो दस्तावेज दरअसल बहुत अहम दस्तावेज हैं। अब तक इस पूरे मामले में बड़ी संख्या में कैश बरामद हो चुका है, और उस कैश बरामदगी के बाद गिरफ्तारियां दो हो चुकी हैं। लगातार ईडी की टीम जो है वो पूछताछ कर रही है, और इन पूछताछ के बाद हो सकता है कि और बड़े खुलासे हों, हो सकता है कि दस्तावेज के माध्यम से कुछ बड़ी बातें ईडी के हाथ लगी हों। ऐसे में तमाम जो अपडेट्स हैं वो टाइम्स नाम नवभारत आपको दिखा रहा है, और उन दस्तावेजों को लेकर भी एक एक चीज हम आपको दिखाएंगे। देखिए, जो बड़ी बात इसमें निकलकर सामने आई है, कुछ और भी ऐसी चीजें थी जिसमें वो संलिप्त थे। दस्तावेज की कॉपी जो लगातार टाइम्स नाम नवभारत आपको दिखा रहा था, उन दस्तावेजों में जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, कुछ जो बरामदगी हुई है उनके पास से उसे मेंशन किया गया है। इसके अलावा भी कुछ और ऐसी चीजें हैं जो मेंशनिंग की गई है ईडी की ओर से, और ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि कैसे ईडी की कार्रवाई जो है वो पार्थ चटर्जी को लेकर लगातार आगे बढ़ती हुई दिख रही है। तो ईडी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अर्पिता ने 3 और प्रॉपर्टी का खुलासा किया, ये सूत्र बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अर्पिता ने 3 और प्रॉपर्टी का खुलासा किया, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। और ये उसकी आप जो कॉपी हम दिखा रहे हैं, प्रति आपको दिखा रहे हैं, उसमें जो अहम बातें कही गई हैं, कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग रिवाइज रिजल्ट ऑफ टीटी 2012, ये पार्थ चटर्जी को लेकर है। और इधर साथ ही साथ एक और बड़ी बात निकलकर ये सामने आई है कि 3 और प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ है। अर्पिता के घर से ही दरअसल वो बड़ी संख्या में कैश मिला था, और अब जब उससे पूछताछ की जा रही है तो 3 और प्रॉपर्टी की लोकेशन अर्पिता ने बता दी है। ईडी के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैसा कि पहले भी इस बात को लेकर उम्मीद की जा रही थी कि इस तरह की चीजें निकलकर सामने आएंगी, कई और प्रॉपर्टी मिल सकती, कई और लोग सामने आ सकते हैं, और इस दिशा में चीजें मिलती हुई नजर भी आ रही हैं। बिल्कुल, अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज, कौन से डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं, और बताया जा रहा है कि जो अर्पिता के नाम पर प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट्स भी पार्थ चटर्जी के घर पर मिले। अनुज, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, अनुज से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अनुराग यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज बताया जा रहा था कि अर्पिता बैनर्जी के नाम पर हैं, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी पार्थ चटर्जी के घर से मिले हैं। ईडी लगातार कस्टडी में, पार्थ चटर्जी ईडी के कस्टडी में है, लेकिन लगातार पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं।